ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन काफी लोगों को स्टडी करना पसंद नहीं, दे हेट टू स्टडी। मुझे काफी कमेंट्स आते हैं और कहते हैं कि मैम कुछ ऐसा मोटिवेशन दो कि हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट आए। तो तब मैं कहती हूँ कि भाई मोटिवेशन की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जिनको स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, कि तब जब उनके लाइफ में कोई गोल नहीं होता। तो कुछ लोगों का गोल होता है अच्छा एजुकेशन पाना, तो ये एक टाइप के लोग होते हैं जिनको नेचुरली स्टडी में इंटरेस्ट आता है, पढ़ना पसंद होता है। और सेकंड टाइप के ऐसे लोग होते हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब उनको मर्सिडीज पसंद है, उनको आईफोन पसंद है, उनको महंगा बंगला पसंद है, उनको टूर्स करना पसंद है, उनको एक लग्जूरियस लाइफ चाहिए, यानी सफलता वो जीवन में पाना चाहते हैं। तो अगर आपको फिर भी स्टडी करनी पड़ रही है तो आपको करना ये है कि अपने सामने एक चार्ट लगाएं कि जिसमें मर्सिडीज, बंगलो, आईफोन, इन सब के फोटोग्राफ्स हो, और आपका ऑब्जेक्ट है कि भाई ये मुझे पाना है। और यही वो स्टडी है जो वहां पर आपको पहुंचाएगी, बिकॉज ये स्टडी करने के बाद जब आपका आईएम में एडमिशन हो जाए या आप डॉक्टर बन जाए तो ये अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। तो होगा ये कि फॉर एग्जाम्पल कि जब जिम में कोई व्यक्ति वर्ल्ड रेसलर बन चुका है तो जिम में वो मेहनत करता है, पसीना टपकाता है, कसरत करता है, बॉडी गर्म हो चुका है, पेन कर रहा है, लेकिन वो मेहनत करता है खुशी खुशी, बिकॉज वो जानता है उसका मेन टारगेट ये तकलीफ नहीं बल्कि वो लग्जरी है कि जब वो रेस जीत जाएगा, वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा, तब उसको जो मिलने वाला है उसके लिए सारी मेहनत वो दे पाता है। तो आपको भी टारगेट ये नहीं करना कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, बल्कि आपको फोकस ये करना है कि ये सब मुझे मिलेगा अगर मैं ये स्टडी करता हूं, तो नेचुरली आपको स्टडी में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो आपके सामने अपने टारगेट्स और गोल्स को सामने रखिए और आप पढ़ाई करिए और मोटिवेटेड रहिए। अब मोटिवेशन की जब बात आती है तो लोग कहते हैं मैम एक दिन मैं मोटिवेटेड रहता हूं, दूसरे दिन फिर डल हो जाता हूं, तो मुझमें कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं कहती हूं प्रॉब्लम आप में नहीं, ह्यूमंस में है। मतलब कि हम जब सुबह खाना खाते हैं नाश्ता, दोपहर को भूख लग जाती है, दोपहर को खाना खाते हैं तो रात को डिनर के टाइम भूख लग जाती है, और फिर दूसरे दिन फिर ब्रेकफास्ट करना पड़ता है। तो अगर आपको खाना तीन टाइम लगता है तो आपने ये कैसे सोच लिया कि आपका मोटिवेशन एक बार लेने के बाद जिंदगी भर बना रहेगा? ऐसा नहीं होता दोस्तों। हमें भी अपने बॉडी की, माइंड की रिक्वायरमेंट उसको देनी है। डेली डोज ऑफ 5 मिनट मोटिवेशन आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए लेना होगा। यानी मॉर्निंग में जैसे बिना भूले आप पानी पीते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, उसी तरह बिना भूले नहाते वक्त आप एक मोटिवेशनल वीडियो लगा दें जो आपको स्टडी के लिए मोटिवेट करे, अच्छा बेहतर इंसान बनने के लिए या पैसा कमाने के लिए आपको प्रेरित करे। कि जब आप ऐसा वीडियो डेली 5 मिनट सुनते हैं तो आपके माइंड की आदत हो जाती है मोटिवेटेड रहने की, और आप देखेंगे आने वाले समय पर वो वीडियो नहीं बल्कि आपका मन ही आपको मोटिवेशनल स्पीचेस देना शुरू कर देगा। तो स्टे मोटिवेटेड डेली, ऐसे जो भी चैनल्स यूट्यूब पर अवेलेबल है जो आपको मोटिवेट करती है उनको जरूर सब्सक्राइब करें और डेली सुनना शुरू करें। और बात आती है कि कैसे आप मिलियनर्स बन जाते हैं, तो मैं जब मिलियनर्स की रिसर्च की तो मैंने जाना कि उन सारे लोगों के घरों में एक लाइब्रेरी जरूर है। तो लोग कहते हैं कि भाई इतना बड़ा बंगला है, उनके पास तो बहुत जगह है, तो लाइब्रेरी यानी कमरा एक रख दिया है अलग किताबों के लिए। पर मैं कहूंगी नहीं दोस्तों, कि वो जो मिलियनेयर बने हैं, वो जो बंगला बना है उसकी नींव यही किताबें हैं कि जो उन्होंने पढ़ी, उस वजह से वो बंगला उस पर बन पाया। यानी अगर आपको भी सफल होना है तो आपको हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना होगा जनरेशन के साथ। आपको स्टीव जॉब्स या आपको वॉरेन बफेट, ये सारे लोग क्या करते हैं, अपने आप को अपग्रेडेड अपडेटेड रखते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ लेटेस्ट ट्रेंड के साथ चलते हैं, और जो ट्रेंड में नहीं चलता नोकिया की तरह चला जाता है, और जो ट्रेंड में रहता है सैमसंग की तरह आगे बढ़ता रह जाता है। तो आपको भी अगर आगे रहना है तो सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी आपको डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर नॉलेज, शेयर मार्केट नॉलेज, ये सारे नॉलेज अपने आप के अपग्रेड करते रहें, नए नए कोर्सेज करते रहें, नई नई चीज़ें सीखते रहें, पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ काम में आ जाए। तो आप कहेंगे कि मैम मुझे इसका क्या काम, मुझे तो डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, अपने काम में ही फोकस करना है। पर मैं आपको कहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति को अपने काम पर भरोसा होता है तो वो नौकरी करता है, लेकिन जिस व्यक्ति को अपने आप पर भरोसा होता है तो वो बिजनेस करता है। तो अपने माइंड को हमेशा बिजनेसमैन की तरह दौड़ाइए। तो एक व्यक्ति जब मेडिकल का पढ़ाई करता है वो डॉक्टर बनता है, जो व्यक्ति इंजीनियरिंग का पढ़ाई करता है वो इंजीनियर बनता है, लेकिन जो व्यक्ति सब कुछ पढ़ता है वो सब कुछ बन सकता है। यानी आपको बिजनेसमैन माइंडसेट से नई नई किताबें पढ़नी चाहिए, जिस एरिया में आपको इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड भी किताबें पढ़िए, अपने आप को अपडेटेड रहिए। कहते हैं जो व्यक्ति आज पढ़ना लिखना छोड़ देता है वो कल का अनपढ़ कहलाता है। कि आज आपको सब कुछ आता है, लेकिन कुछ लोगों को आज मोबाइल अगर नहीं आता तो हम क्या कहेंगे, अरे अनपढ़ है, इसको तो कुछ नहीं आता। लैपटॉप चलाना नहीं आता तो हम कहते अरे इसको तो कुछ नहीं आता। बट वो हो सकता है पीएचडी इंसान हो, लेकिन वो जनरेशन की तरह अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया, इसलिए वो पीछे
पीछे हट गया। तो भाई आपको भी अपने आप को अपग्रेड रखना होगा, डिजिटल मार्केटिंग से लेके शेयर मार्केट से लेके लेटेस्ट ट्रेंड्स पे आपको आगे अपने आप पर वर्क करना है, पढ़ाई तो करनी करनी है, मोटिवेटेड रहना है, डेली डोज ऑफ मोटिवेशन लेते रहना है और लाइफ में सक्सेसफुल बनकर दिखाना है, यही मेरा मैसेज है। और दोस्तों अगर ऐसी वीडियोस आप और भी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका यही कमेंट मुझे मोटिवेट करता है अगली बार और वीडियो बनाने के लिए। ये वीडियो भी कुछ ऐसे लोगों की कारण ही मैंने बनाया जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि वो ऐसा वीडियो चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं ये हमें जरूर लिखकर भेजिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे मोटिवेटेड, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश।